वी एम वेयर वी स्पेयर एट पॉइंट जीरो की सीरीज़ में एक बार फिर से वेलकम है आपका आई एम मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर पिछली क्लास में ई एस एक्स आई एट पॉइंट जीरो में हमने आपको गाइड किया था कि कैसे आप नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हो कैसे वील एन काम करता है किस तरीके से हम विमोशन या अदर सर्विसेज लाइक फॉल्ट ओलरेंस को एक्टिवेट करते हैं आज की इस क्लास में थोड़ा सा हम स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं वाई वी नीड टू एड डोमेन कंट्रोलर इन आवर ई ए एस एक्स आई इन्वायरमेंट डोमेन कंट्रोलर की इम्पोर्टेंस क्या होती है जब भी आप एक ई एस एक्स आई या वी एम वेयर का इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में तो आई होप कि आप लास्ट तक देखेंगे ताकि आप अपने टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव कर सको इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन हमने इस सेटअप के लिए मीन्स इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ई एस अपने पास ऑलरेडी रन कर रहा है दिस इज़ अवर ई एस और एक डोमेन कंट्रोलर मशीन भी हमने इस्टेब्लिश कर रखी है ताकि हम प्रैक्टिकली दिखा सकें कि, कि किस तरीके से ई एस होस्ट को डोमेन कंट्रोलर के साथ अटैच किया जाता है किस तरीके से हम जोड़ते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों जोड़ा जाता है या क्या ज़रूरत पड़ती है एक डोमेन कंट्रोलर को वी एम बेयर वर्चुअलाइजेशन के इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए सभी पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज टीचमी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको हंड्रेड लाइव प्रैक्टिकल्स की वीडियो प्रोवाइड करता है वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए Uh, ये अपना डोमेन कंट्रोलर है हमने डोमेन बनाया है आई थिंक विद नेम ऑफ क्लाउड डॉट कॉम ठीक है डोमेन इस्टैब्लिस किया है सर्वर 2016 पे सर्वर 2016 पे हमने अपने डोमेन को इस्टैब्लिश कर रखा है और यहाँ पे एक ई एस एक्स आई होस्ट हमने इस्टैब्लिश कर रखा है यू नो दैट ई एस एक्स आई एट पॉइंट जीरो और इफ़ वी हैव अ मल्टीपल ईस एक्स आई इट्स नॉट मैंडेटरी एक ही है मल्टीपल ईस एक्स आई है तो हम सभी ई एस एक्स आई होस्ट को सेम डोमेन कंट्रोलर के साथ अटैच कर सकते हैं बट क्वेश्चन ये आता है कि डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि डोमेन क्यों लगाया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर तो कुछ ऐसे चार रीजन हमने इसमें काउंट किए हैं जिसकी वजह से हमें डोमेन लगाने की जरूरत पड़ती है पहला रीजन ये है कि आप इसके थ्रू नेम रिजोल्व कर सकते हो राइट नेम रिजोल्यूशन क्योंकि डोमेन के अंदर यू विल फाइंड द डी एन एस सर्विसेज और डी एन एस के केस में आई पी टू नेम एंड नेम टू आई पी जब हम वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करेंगे और वी सेंटर सर्वर के अंदर जब ई एस एस आई को आप अटैच करोगे ना तो इस केस में जब हम ई एस एस आई को अटैच करेंगे तो वहाँ पर आई पी के साथ साथ आप नेम से भी ई एस एक्स आई होस्ट को वी सेंटर सर्वर में कनेक्ट करा सकते हैं ठीक है तो पहला हो गया नेम रेजोल्यूसन जिसमें आपका डी एन एस का पिक्चर में आएगा और डी एन एस की मदद से हम नेम रिजोल्व कर पाएंगे दूसरा ऑप्शन आता है बेसिकली आई होप यू नो अबाउट द पी टी सी एम टाइम मैनेजमेंट के लिए एन टी पी सर्विस को कॉन्फिगर करने के लिए अब एन टी पी सर्विस क्या करती है एन टी बी सर्विस इज बेसिकली नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपका जो डोमेन का टाइम है वो सेम टाइम आपके सभी ई एस एक्स आई पे सिंकनाइज हो जाएंगे और सेम टाइम जो ई एस एक्स आई होस्ट के अंदर आपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रखी है उन वर्चुअल मशीन्स पर भी आपका सेम टाइम हाईलाइट होने लगेगा अगले ऑप्शन की बात करें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें यूजर्स एंड परमिशन अगला जो पार्ट है ना वो है यूजर्स एंड परमीशन सो यूजर एंड परमिशन की बात करें तो इस केस में आ, जो भी यूजर आप क्रिएट करोगे जो भी यूजर आपने क्रिएट कर रखा उन सभी यूजर्स को आप अपने ई एस एक्स आई से लॉग इन करा सकते हो गोडेड सिंह दिस इज द बेसिक एक्टिविटी दैट यू नीड टू नो यूजर्स एंड परमिशन के केस में जब आप एडी यूजर क्रिएट करेंगे एक्टिव मान लीजिए आपने कोई यूजर क्रिएट किया क्लास्ट क्लाउड डॉट कॉम पर आपने एक ए बी सी का नाम नाम का यूजर क्रिएट किया तो आप सेम ए बी सी यूजर को अपने ई एस एक्स आई के लिए असाइन कर सकते हैं मीन्स सेम एसी यूजर एबल टू लॉग इन योर व्हाट वी कैन सी दैट वी आर एबल टू लॉग इन अवर ई एस एक्स आई मशीन थ्रू द एक्टिव यूजर लास्ट ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है Means, इफ़ यू वार्ट टू इंस्टॉल वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल वी सेंटर सर्वर अगर आपको अपने इन्वायरमेंट में वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करना है तो विदाउट डोमेन तो पॉसिबल ही नहीं सो इट मीन्स दैट द वी सेंटर सर्वर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वी सेंटर सर्वर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वट वी कैन से दैट डोमेन कंट्रोलर मीन्स अगर अपने पास डोमेन नहीं है तो वी आर एनेबल टू इंस्टॉल द डोमेन कंट्रोल वी आरबल टू इंस्टॉल वी सेंटर सर्वर उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ये तो हो गई बात इंपॉर्टेंस की अब बात करते हैं प्री रिकट की कैसे आप कन्वर्ट करेंगे मान लीजिए ये अपने पास ये सक्साई होस्ट है वन नाइनटी इसको आप ब्राउजर पर एक्सेस कर लो वन नाइन्टी यूज़र आई एंड पासवर्ड दे करके आप इसका जी एक्सेस कर लो इन्वेंट्री जो जी की इन्वेंट्री है उसको आप एक्सेस करा लो ठीक है ये अपने पास ई एस होस्ट आ गया और आप देखिए इसमें जो ई एस होस्ट का नेम दिखाई पड़ रहा है रिमेंबर लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन ठीक है मतलब आपका कोई डोमेन पर्सनल नहीं है एंड लेट मी चेक कि और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं मैनेज पे क्लिक करो सिक्योरिटी यूजर सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड यूजर्स पे जाओ ऑथेंटिकेशन में जाओ यहाँ से वेरीफाई कर लो कि आपका जो सिस्टम है डोमेन का मेंबर है एडी का मेंबर है या नहीं है तो आई डोंट थिंक कि अभी हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो ज्वाइंट डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है बट आपका डोमेन एसोसिएटेड नहीं है इसके कुछ प्रेरिकिजिट है सबसे पहले तो आप अपने सर्वर पर जाओ इस सर्वर की प्रीफर्ड आईपी एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है क्लाउड के नाम से डोमेन है हमारा इसको लॉगिन कराएंगे सर्वर को लॉगिन कराएंगे सर्वर की आईपी एड्रेस को आप वेरीफाई करिए राइट सर्वर के आईपी एड्रेस को आप वेरीफाई करिए वी जस्ट नीड टू ओपन एन सी पी ए डॉट सी पी एल मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे मैनुअल आई पी एड्रेस होना चाहिए सर्वर पे मैनुअल आई पी एड्रेस होना चाहिए आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन प्रॉपर्टीज आई पी बी फोर वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट हंड्रेड चलिए ये आपका कन्फर्म हो गया कि आपके पास मैनुअल आई पी एड्रेस है सर्वर की दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सी एम डी ओपन करेंगे और अपने ई एस एक्स आई होस्ट से आप करा लेंगे पिंग कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है चाहे आप वर्क ग्रुप की मशीन को डोमेन में कन्वर्ट करो या किसी डिवाइस को डोमेन का मेंबर क्रिएट करना चाहते हैं दोनों सिचुएशन में डोमेन से कम्युनिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट यू मस्ट नीड टू कम्युनिकेट विद अवर डोमेन कंट्रोलर उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब आ जाते हैं ई एस के सी पेज पे. इसको ओपन किया क्लिक किया हमने और यहाँ पे आप एफ टू प्रेस करेंगे फंक्शन के साथ जाएगा एफ टू और लॉग करा लेते हैं अपने ई एस होस्ट को लॉगिन कराने के बाद आपको कुछ मैनुअल सेटिंग्स करनी पड़ेगी ई एस एक्स आई के डी सी आई पैनल से कॉन्फिगर मैनेजमेंट नेटवर्क इंटर पे क्लिक करो आई पी बी फोर पर जाओ स्टेटिक आई पी एड्रेस तो इसमें ऑलरेडी हाई है स्टार्टिक आई पी एड्रेस अब देखिए यहाँ पे सेट स्टैटिक आई पी एड्रेस पे ऑलरेडी क्लिक है डी एन एस पे जाएंगे और डी एन एस पे हम अपना डी एन एस प्राइमरी डी एन एस की आई पी एड्रेस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिफाई की वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट हंड्रेड अल्टरनेट कुछ नहीं है तो आप एट डॉट एट डॉट एट यह अल्टरनेट ई मेल आई पी एड्रेस हो गया और डोमेन नेम यहाँ पे दे देते हैं हम क्लाउड डॉट काम ठीक है होस्ट नेम हम डाल देते हैं होस्ट नेम अपने ई एस एक्स आई का ई एस एक्स आई एट ये हम होस्ट नेम दे देते हैं इंटर पे क्लिक करेंगे कस्टम डी एन एस सर्फिक्स में यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको क्लाउड डॉट कॉम क्योंकि डोमेन नेम है हमारा क्लाउड डॉट कॉम एंटर करेंगे स्किप बटन पे प्रेस करेंगे इस जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन जितने भी सेटिंग्स आपने की उसको आप सेव कर लेंगे वाई प्रेस करके डन है यहाँ तक हो जाएगा अब आप आ जाओ जी पे और इस जॉइन डोमेन पे जाओ डोमेन का नाम है क्लाउड और इसका यूज़र आई है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो आपका लोकल डोमेन का पासवर्ड हो पासवर्ड दे दीजिए ए डी एम आई एन एस टी आर ए टी ओ आर ठीक है प्रोसीड करते हैं कनेक्टिविटी के लिए इंतजार करना पड़ेगा कनेक्टिविटी होनी चाहिए पिंगिंग होना चाहिए सब कुछ ओके रहा तभी आप कनेक्शन कर पाएंगे स्टिल रनिंग एवरीथिंग इज ओके वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स थोड़ा सा इंतजार करते हैं उम्मीद है कि ये कन्वर्ट होना चाहिए वर्क ग्रुप से डोमेन में नॉट वर्क ग्रुप से डोमेन एटलीस्ट डोमेन का मेम्बर बनना चाहिए वेट कर लेते हैं नो no प्रॉब्लम मेक श्योर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में दो से तीन मिनट इंतज़ार करने के बाद आपका क्लाउड डॉट कॉम का जो डोमेन है वो सक्सेसफुली एसोसिएट हो गया है हमारे ई एस एक्स आई होस्ट एट पॉइंट ज़ीरो से और अगर हम होस्ट पे जाते हैं ना तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने होस्ट नेम रखा था ई एस एक्स आई एट और डोमेन नेम हमारा क्लाउड डॉट कॉम मतलब ये आपने सक्सेसफुली अपने ई एस एस आई होस्ट को किस किसे अटैच कर लिया है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से तो चलिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर मैनेजर पे जाते हैं डी एस ए डॉट एम जाते हैं ओपन कर लेते हैं इसको और यहाँ पे कंप्यूटर्स पे जाएंगे, तो आप देखिए ई एस एक्स आई ई एस एक्स आई डॉट ई एस एक्स आई डॉट क्लाउड डॉट कॉम से हमारा सिस्टम ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई ये अभी हमने जस्ट इनरोल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल एवरी इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड हीयर अब चार पॉइंट पे हमने बात की थी कि क्यों जोड़ा जाता है एक तो नेम रिजॉल्व करने के लिए जो नेम आपने देख लिया कि पहले लोकल होस्ट डॉट समथिंग आ रहा था अब क्लाउड डॉट कॉम के नाम से आने लगा एन टी पी सर्विस हमें कॉन्फिगर करनी पड़ेगी यूजर परमिशन हम नेक्स्ट डिस्कट करें डिस्कस करेंगे और वी सेंटर सर्वर का इंस्टॉलेशन भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उम्मीद है कि आज की क्लास में जो हमने बातें की जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए वो सही से समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज़ लेट मी नो डू सब्सक्राइब योर ऑन टीचमी क्लाउड यूट्यूब चैनल और अगर आप एज यू ए जी वन जीरो फोर का लाइव सेशन चाहते हैं हमसे सैटरडे सैटरडे एंड संडे तो नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड विल स्टार्ट अवर लाइव सेशन फॉर एज यूरो ए जी वन जीरो फोर टेक केयर गय बाय